हेलो स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट आइटम्स दैट फेल सडनली, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट एंड ग्रुप रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे कैसे वर्क होगा। क्वेश्चंस गिवन द फॉलोइंग मोर्टिलिटी रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व फॉर द सर्टेन टाइप ऑफ लाइट बल्ब्स, वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर, वीक फाइव गिवन है। परसेंट फेलिंग बाय द एंड ऑफ वीक ये गिवन है, कितना परसेंट फेलिंग हो रहा है बल्ब पर वीक, 10% टू 25%, 50%, 80%, 100%। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि परसेंटेज गिवन है, इस परसेंटेज को हम 10% है मीन्स व्हाट 0.1, 25% है मीन्स व्हाट 2.5, 50% है मीन्स व्हाट 0.5, 80% है मीन्स 0.8, 100% मीन्स व्हाट 1। ठीक है, इसको हम लिख दिया वैल्यू के फॉर्म में। अभी जो ये था 10, 25, 50, 80, 100 किस फॉर्म में था, परसेंटेज के फॉर्म में था। आगे दिया है, देर आर थाउजेंड बल्ब्स इन यूज एंड इट कॉस्ट ऑफ रुपीज टू टू रिप्लेस एन इंडिविजुअल। 1000 बल्ब दिए हैं, अब यदि एक बल्ब को रिप्लेस कर रहे हैं इंडिविजुअली तो कॉस्ट क्या है, 2 रुपीज है, विच हैज बर्न आउट। इफ ऑल द बल्ब्स वे रिप्लेस्ड साइमल्टेनियसली इट वुड कॉस्ट 50 पैसे पर बल्ब। इंडिविजुअली रिप्लेस कर रहे हैं तो रुपीज टू पे करना पड़ रहा है पर बल्ब, और ग्रुप में रिप्लेस कर रहे हैं कितना हमारा 50 पैसे पर बल्ब। इट इज प्रपोज टू रिप्लेस ऑल बल्ब एट फिक्स इंटरवल्स वेदर और नॉट दे हैव बर्न आउट एंड टू कंटिन्यू रिप्लेसिंग बर्न आउट बल्ब एज दे फेल, एट वॉट इंटरवल्स शुड ऑल द बल्ब बी रिप्लेस्ड। ठीक है, इट इज प्रपोज टू रिप्लेस ऑल द बल्ब एट फिक्स इंटरवल। हमें मालूम करना है, हमें सपोज कर लीजिए हमें फिक्स इंटरवल पर सारे बल्ब रिप्लेस करना है, चाहे वो बल्ब आपका फेल हो या फेल ना हो, तो आपको फिक्स टाइम पता करना है कि किस टाइम पे हम किस इंटरवल्स पे किस वीक पे कितने कितने वीक को रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ग्रुप पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट आएगा और इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट आएगा, या कौन सा बेटर होगा मेरे लिए। सपोज कर लिया, लेट पी आई विद द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब विच वॉज न्यू व्हेन प्लेस्ड इन द पोजिशन फॉर यूज फेल्स ड्यूरिंग दिस आईथ वीक ऑफ इट्स लाइफ, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। तो हम पी आई मान लिए हैं P1, P2, P3, P4, P5, फर्स्ट वीक के लिए, सेकंड वीक के लिए, थर्ड वीक के लिए और फोर्थ और फाइव वीक के लिए। तो आपको पता है कि P1 की प्रोबेबिलिटी कितना 0.1 है, 0.1। P2, तो जब भी हम नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो सेकंड वीक की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 0.25 करंट का था माइनस प्रीवियस 0.1 इक्वल्स टू 0.15। थर्ड की बात करें हम लोग तो थर्ड में करंट 0.5 था, प्रीवियस 0.25 इक्वल्स टू 0.25। फोर्थ की बात करें करंट 0.8, प्रीवियस 0.5, 0.3 होगा आपका। नेक्स्ट की बात करें P5, फिफ्थ इंटर फीक वीक का इंटर, वो तो करंट 1 और प्रीवियस 0.8, 0.2 होगा। ठीक है, तो इससे निकल गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल पर वीक, वीक 1 का 0.1, 0.15 वीक 2 का, 0.25 वीक 3 का, 0.3 वीक 4 का, 0.2 वीक 5 का। ठीक है, जो कि हमें न्यू प्लेस्ड करने होंगे, ये चांसेस प्रोबेबिलिटी है। यहाँ देख रहे हैं सबको ऐड करेंगे आप, वो 0.1 को, 0.15 को, 0.25 को, 0.3 को, 0.2 को, तो वैल्यू सबकी 1 आएगी। ठीक है, मीन्स अब इसके ऊपर जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 1 तो हो चुका ऑलरेडी है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है जोड़ने के बाद वहां 1 ही आती है वैल्यू चांसेस। ठीक है, स्टेप 2 अब निकाल रहे हम लोग, लेट एन आई be the number of replacements at the end of the ith week, मतलब number of bulbs कितना हमें replace करना है first week के बाद, second week के बाद, third week के बाद, fourth के बाद, fifth के बाद। ठीक है, तो starting में जो bulb given है number of, उसको N0 suppose कर लिया मैंने, कितने bulb given है 1000, तो next first week के बाद निकालना हो तो N0 P1, तो N0 की value 1000, P1 means क्या, first week की probability 0.1 था ना ऊपर देखा मैंने है, तो 100। इसी प्रकार सेकंड वीक पे निकालना नंबर ऑफ बल्ब, तो N0 P2 प्लस N1 P1। ठीक है,
एन जीरो 1000, पी टू की वैल्यू ऊपर गिवन है, उल्टी निकाला मैंने 0., जो भी आया होगा देख लीजिए ऊपर 0.15। इस तरह से हम लोग एन टू, एन थ्री, एन फोर, एन फाइव निकाल लेंगे, ये सारा वैल्यू आ गया। नंबर ऑफ बल्ब फर्स्ट वीक के लिए 100 रिप्लेस करने होंगे, सेकेंड वीक के लिए 160, थर्ड के लिए 281, फोर्थ 379, फिफ्थ 350। तो आप देख रहे हैं फोर्थ वीक तक नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो बल्ब की संख्या थी बढ़ रही थी 100, 160, 285, 379, लेकिन फोर्थ के बाद क्या हो गया, फिफ्थ वीक में 350, मतलब फिफ्थ वीक से बल्ब की संख्या क्या और घट रही है, मीन्स फोर्थ वीक तक कंटिन्यूअसली बल्ब यहाँ इंक्रीज हो रहा था। तो लिखा मैंने यहाँ पे टिल फोर्थ वीक द नंबर ऑफ बल्ब फेलिंग इन ईच वीक इंक्रीजेज, पढ़ रहे थे वहां पे, लेकिन आफ्टर दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग। हम जो निकाला अभी प्रोबेबिलिटी, कितने रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट वीक में क्या होगा, सेकंड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, थर्ड वीक में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, कितने रिप्लेस करने होंगे, नंबर ऑफ बल्ब निकाल लिया मैंने पर वीक। अब वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईच बल्ब, इसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ आई 1 to n आई पी आई, ठीक है, आई 1 से 5, चूंकि 5 वीक यहाँ पे हमारे पास है और पर वीक की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो 1 into P1 की वैल्यू, 2 into P2 की वैल्यू, 3 into P3 की वैल्यू, 4 into P4 की वैल्यू, 5 into P5 की वैल्यू, सबको आप सम करेंगे 3.35 आएगा, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ फेल्योर्स पर वीक 1000 बल्ब थे और 3.35 फेल हो रहे हैं, तो डिवाइड 3.35 लाइफ सॉरी है बल्ब की, जब डिवाइड करेंगे 290.5 है, चूंकि ये नंबर ऑफ बल्ब की बात हो रही है, तो इसको हम सपोज कर सकते हैं 299, क्योंकि अगली वैल्यू 0.5 है, तो लगभग 299, तो लगभग आपको 299 बल्ब्स पर वीक फेल हो रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, अब आपको पता है कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन में गिवन द कॉस्ट 2 रुपीज और ग्रुप का 0.5 रुपीज या 50 पैसे। तो जब इंडिविजुअल रिप्लेस कर रहे हैं तो 299 बल्ब इंटू 2 करेंगे तो 598 आएगा ना, तो ये किसका कॉस्ट आया, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का आया 598, ठीक है। अब आइए देखा जाए ग्रुप, मतलब यदि हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो 598 हमें पे करने होंगे, 598 कॉस्ट आएगा हमारा। अब ग्रुप में रिप्लेस करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा देखा जाए। नाउ सिंस द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द 1000 बल्ब साइमल्टेनियसली कॉस्ट 50 पैसे पर बल्ब, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बल्ब ऑन फेल्योर ऑफ 2 रुपीज एवरेज कॉस्ट फॉर डिफरेंट ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसीज इज आई गिवन बिलो। हमने इंडिविजुअल का भी निकाला है और ग्रुप का भी निकाला है। तो आपको पता है कि फर्स्ट वीक में कितने बल्ब थे 100, सेकेंड वीक में कितने बल्ब हो जाएंगे 100 + 160 260, थर्ड वीक में 541, फोर्थ वीक में 920 और फिफ्थ वीक में 1270, ठीक है। तो 100 × 2 2 रुपीज किसका था, इंडिविजुअल का था हमारा, और 0.5 का था ग्रुप का था, 1000 × 0.5। नेक्स्ट वीक 260 × 2 इंडिविजुअल का प्लस 1000 × 0.5 50 पैसे गिवन था हमने, उसको 0.5 लिख लिया है, 50 पैसे को 0.5 कर सकते हैं रुपीज में, 1020। इसी प्रकार नेक्स्ट निकाला थर्ड वीक के लिए, फोर्थ वीक के लिए और फिफ्थ वीक के लिए, एवरेज निकाल लिया 700, क्योंकि फर्स्ट ईयर का है डिवाइड बाई 1, 1020 दो ईयर का है डिवाइड बाई 2, 1582 तीन साल का है डिवाइड बाई 3, 2340 फोर का है डिवाइड बाई 4, 3040 फाइव ईयर्स का है डिवाइड बाई 5। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का एवरेज हो 700 आया, सेकंड का 510 आया, थर्ड का 527.33, फोर्थ का 585, फिफ्थ का 608। तो आप देख रहे हैं कि 510 कम है ना, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना आ रहा है 510 और इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है 598, ग्रुप का 510 आ रहा है, ठीक है। तो कौन बेस्ट होगा हमारे लिए, ग्रुप के इंडिविजुअल, ग्रुप, ठीक है। तो लिखा सिंस द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम इन द सेकंड वीक, द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड टू हैव ग्रुप रिप्लेसमेंट इज आफ्टर सेकंड वीक, तो प्रत्येक सेकंड वीक के बाद हमें रिप्लेस करना होगा ग्रुप रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। सिंस द एवरेज कॉस्ट इन लेस देन 598 इज इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, द ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज प्रीफरेबल, क्योंकि 510 है और 598 था हमारा, तो कम है ना, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।